वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सत श्री अकाल, मैं हरप्रीत सिंह आपका स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल गोल्डी पंजाबी ढाबा में। आप सभी को गोल्डी पंजाबी ढाबा की तरफ से गणेश चतुर्थी की बहुत 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 बधाइयां। आज गणेश चतुर्थी है और गणेश चतुर्थी वाले दिन बप्पा की फेवरेट मिठाई बनानी तो बनती है। आज हम बनाएंगे बूंदी के लड्डू। वैसे तो गणेश जी को मोदक भी बहुत पसंद है, मोतीचूर के लड्डू भी पसंद है, बूंदी के लड्डू भी उन्हें बहुत पसंद है। तो हमने सोचा कि आज इतना अच्छा दिन है, गणेश चतुर्थी है, तो चलिए हम भी बनाते हैं बूंदी के लड्डू। आप भी जरूर बनाइएगा, लेकिन अगर आपको बूंदी के लड्डू बनाना सीखना है तो इस वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। अब इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो इसका दो फायदा है। पहला कि आप बूंदी बनाना भी सीख जाएंगे, फिर आप बूंदी बना के बूंदी का रायता भी बना सकते हैं या बूंदी उंदू भी खा सकते हैं। इस वीडियो को एंड तक देखने से आप बूंदी बनाना भी सीख जाएंगे और बूंदी के लड्डू बनाना भी सीख जाएंगे। तो चलिए, हर शुभ काम करने से पहले गणेश जी को याद किया जाता है, तो हम भी गणेश जी का नाम लेते हैं और चलते हैं किचन की और बनाते हैं अपने बूंदी के लड्डू। तो बूंदी के लड्डू बनाने के लिए हमें सबसे पहले बूंदी बनानी पड़ेगी और बूंदी के लिए हमने यहाँ पे लिया है बेसन 2 कटोरी, 1/4 छोटा चम्मच सोडा, बेकिंग सोडा, और 1 कटोरी शक्कर। फिर हमने लिया है यहाँ पे कूटी हुई इलायची और 1 पिंच रेड कलर या येलो कलर, आपके पास जो कलर अवेलेबल हो आप वो ले सकते हैं। फिर एक बॉल लेंगे हम, बॉल में डाल देंगे बेसन और उसमें डाल देंगे 1/4 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा। इसमें हम डाल देंगे 1 पिंच नमक। फिर हम इसमें पानी डालेंगे, आप एक साथ पूरा पानी ना डालें नहीं तो बैटर जो है बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा। अब थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाएं और इसे विस्कर की मदद से अच्छे से हिलाएं और इसका एक फ्लोइंग कंसिस्टेंसी वाला बैटर तैयार करें। तो ये देखिए, अभी ये बैटर जो है बहुत टाइट है, इसमें हम थोड़ा सा पानी और डालेंगे और इसे फिर विस्कर की मदद से अच्छे से हिलाएंगे। तो ये देखिए, ये अभी भी थोड़ा सा मुझे गाढ़ा लग रहा है, तो मैं इसमें करता हूँ एक काम, डाल देता हूँ थोड़ा सा और पानी, थोड़ा सा इसमें पानी और डालेंगे और इसे फिर से मिक्स करके मदद से हिलाएंगे। तो ये फाइनल हमारा बूंदी के लिए बैटर तैयार हो गया। देखिए कितना पतला है, ये कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं। तो चलिए, अब हम बूंदी को फ्राई करना है। आपको बूंदी फ्राई करने के लिए सबसे पहले गैस चालू करना पड़ेगा, उसमें कढ़ाई रख के उसमें घी डालना पड़ेगा। जैसे ही आपका घी मेल्ट हो जाए और गर्म हो जाए आप बूंदी बनाने की तैयारी शुरू करेंगे। उसके लिए हम ये झारा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ये कद्दूकस करने वाला, जो ग्रेट करने वाला वो रहता है सब्जी जिससे ग्रेट करते हैं, उसका इस्तेमाल किया है। तो आप थोड़ा सा बैटर डाल के पहले चेक करें कि हमारा घी जो है वो गर्म हो चुका है कि नहीं। फिर आप अपने कद्दूकस को ऊपर रखें और इसे एक चम्मच की मदद से ऊपर डालते जाएं बैटर को, वो अपने आप टपकते जाएगा नीचे और बूंदी बनते जाएगी कढ़ाई में। आप ध्यान रखें अपने हाथ को बचाएं, इसलिए मैंने यहाँ पे देखिए सनसी का इस्तेमाल किया है ताकि आपका हाथ जो है वो बच जाए। अगर आप डायरेक्ट कद्दूकस को पकड़ के हाथ से डालेंगे तो जो उसकी भाप होगी उससे आपका हाथ जो है वो जल सकता है। तो आप बीच बीच में इसे हिलाते जाएं। आपको ये जो बूंदी बना रहे हैं हम, इस बूंदी को बनाने के लिए आपको इसे सिर्फ 70-80% जो है वो फ्राई करना है, एकदम ज़्यादा इसे रोस्ट नहीं करना है। 70-80% ये रोस्ट हो जाएगा तो इसे आप निकाल देंगे। तो ये देखिए, हमारी बूंदी जो है 70-80% जो है वो रोस्ट हो चुकी है। ये देखिए कितनी बढ़िया दिख रही है। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल देंगे। आप ऐसे झारा का इस्तेमाल भी कर सकते हैं जिससे कि एक्स्ट्रा घी जो है वो सेपरेट होकर नीचे गिर जाए। तो बाकी के बचे हुए बैटर के साथ भी हम सेम ऐसा ही करेंगे। ये देखिए
कितनी बढ़िया, देखिए बूंदी बन रही है, घी में एक एक बूंद गिल रही है और बूंदी बने जा रही है। तो इसे बस 2 से 3 मिनट आपको फ्राई करना है, उसमें ये बढ़िया से रोस्ट हो जाएगी। और जितनी आपको बूंदी के लड्डू बनाने के लिए बूंदी रोस्टेड चाहिए, उतनी बूंदी ये जो है फ्राई हो जाएगी उसमें। तो इसे भी आप निकाल दीजिए, अब ये पूरी तैयार हो चुकी है, इसका जो एक्सेस घी है वो निकल जाएगा। तो ये देखिए हमारी बूंदी बनकर तैयार हो गई है। अब मैंने जो यहाँ पे बूंदी बनाई है ये मैंने लड्डुओं के लिए बनाई है, तो मैंने सिर्फ 1 पिंच नमक डाला था। लेकिन अगर आपको नॉर्मल बूंदी बनाना है यूं ही खाने के लिए या रायते में डाल के खाने के लिए, तो आप एक काम करें, जब मैंने यहाँ पे 1 पिंच नमक डाला था, आप इसकी जगह में नमक अपने स्वाद के अनुसार डाल दें। मेरे हिसाब से 2 कप बेसन में 1 छोटा चम्मच नमक इनफ रहेगा। और आप चाहे तो इसमें थोड़ी लाल मिर्ची पाउडर भी डाल सकते हैं, इससे कलर अच्छा आएगा और स्वाद भी बढ़ जाएगा। और इसे आप जितना मैंने यहाँ पे फ्राई किया है इससे थोड़ा सा ज़्यादा फ्राई करें तो वो और ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएंगे। बूंदी तो हमारी तैयार हो गई है, अब लड्डू बनाने के लिए हमें चाशनी की तैयारी करनी है। तो उसके लिए आप फ्राई पैन रखें गैस के ऊपर में, सिम में रखें और 1 कप शक्कर डालें उसमें, और जितना आपने शक्कर लिया उतना ही आप इसमें पानी डाल दें। सिम में रख के इसे लो फ्लेम में रख के इसे पकाते रहें। इसे आप 1 कप शक्कर ले रहे तो 1 कप पानी डालें, 2 कप शक्कर ले रहे तो 2 कप पानी डालें। थोड़ी देर के बाद में जब इसमें बॉईल आने लगे इसमें डाल दें आप रेड कलर। रेड कलर को मैंने थोड़ा सा पानी डाल के घोल लिया था, और इसमें डाल रहा हूँ मैं कुटी हुई इलायची। इसे अच्छे से मिक्स करें, आप इसे थोड़ा बॉईल आने दें, और ये बढ़िया सी आपकी चाशनी जो है तैयार हो जाएगी। अब जो बूंदी है उसे थोड़ा सा क्रश कर दें। क्या होता है कि लड्डू बनाने के लिए बूंदी को क्रश करना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि बूंदी जो है वो अच्छे से चाशनी को पी लेगी, चाशनी को सोख लेगी। तो चलिए हमारा जो चाशनी है वो तैयार हो गई है, इसमें हम डाल देंगे बूंदी। अब जब बूंदी डाल रहे हो तब गैस को कर दें लो फ्लेम में, और बूंदी डालने के बाद वापस इसे हाई फ्लेम में करके चम्मच की मदद से इसे अच्छे से मिक्स करें। अब बूंदी डालते समय आपको गैस लो फ्लेम में इसलिए रखनी है ताकि आपका हाथ जो है वो जले मत, चाशनी जो है वो बहुत गर्म होगी उससे आपका हाथ जल सकता है। तो ये देखिए अच्छे से इसे हाई फ्लेम में रख के जैसे आप सब्ज़ी बनाते हैं तो करते हैं, सेम वैसे ही आप इसे घुमाइए तो ये पूरी चाशनी पी जाएगी। और ये देखिए पूरा सूख जाएगा, आपका जो फ्राई पैन का तला होगा वो पूरा क्लियर हो जाएगा। तो ये देखिए पूरी तैयार हो चुकी है अच्छे से। अब हम क्या करेंगे, अब गैस को बंद कर देंगे और इसको ढक देंगे, ढक के इसे आधा घंटा रख देंगे। आधे घंटे के बाद में ये देखिए कुछ ये ऐसा दिखेगा, ये देखिए कितना थिक हो चुका है। अब ये लड्डू बनाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। तो क्या करेंगे, हम अपने हाथों की मदद से थोड़ा सा उसमें से लेंगे बूंदी को और गोल गोल घुमा के उसका एक लड्डू बना देंगे। देखिए जैसे मैं कर रहा हूँ, देखिए कितना बढ़िया मैंने लड्डू बना दिया। मैं आपको एक और बना के दिखाता हूँ, ये देखिए एक और लड्डू मैं बना दिया मैंने। अब एक एक करके आप ऐसे सारे लड्डू जो है तैयार कर दें, और एक बड़ा लड्डू गणेश जी के लिए मैंने बनाया है, उसके ऊपर पिस्ता की कोटिंग कर दें, थोड़ी सी सिल्वर की उसके ऊपर मैं वर्किंग कर दें। तो तैयार है आपके बूंदी के लड्डू गणेश जी के भोग के लिए। आप भी जरूर घर में तैयार कीजिए, बनाइए, गणेश जी को भोग लगाइए पहले, उसके बाद आप खाइए प्रसाद के रूप में और अपने घर वालों को भी खिलाइए। बहुत ही आसानी से बनी है, हलवाई से ज़्यादा अच्छी बनी है। तो बप्पा के पसंदीदा बूंदी के लड्डू हमने बना लिए, आप भी जरूर बनाइए और गणेश जी को भोग लगाइए। आज गणेश चतुर्थी है ना, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आपकी कोई सलाह हो या आपके कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताएं। और ये जो सब्सक्राइब वाला बटन है और साथ में बेल आइकॉन, ये दबा दें चैनल के सपोर्ट के लिए। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए बनाते रहें। तो चलिए मिलते हैं नए दिन नए जायके के साथ, तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। सत श्री अकाल।